ॐ तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः। शरणागति के बाद चल रहा था, ईश्वर की पाद पद्म में शरण लेने से हम निर्भय हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य प्राप्ति होता है, हम निशंक हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए भगवद गीता के अंतिम अध्याय में अष्टादश अध्याय 66 वर्स भगवान अर्जुन को शेष उपदेश दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वभूते पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब साधन का सार साधन भगवान में भार अर्पण। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक शिशु अगर अपने संतान पर निर्भर करते हैं सर्वतोभावे ना, तब उनके जननी उनको सर्व प्रकार का प्रयोजन मिटा देते हैं, रखना भीक्षण करते हैं, उनको सर्वदा सदैव अपने नज़र में रखते हैं, उनका और कोई चिंतन नहीं, माँ के आश्रय में परम निश्चिंत निर्भय होकर आनंद सहकार विचरण करते हैं। शास्त्र में भी सलाह दिया है, ठाकुर भी दो प्रकार का साधन का उल्लेख किए हैं, एक बिल्ली के बच्चा जी से और एक बंदर का बच्चा जी से। बंदर का बच्चा माँ को पकड़ के रहते हैं, अब अपने शक्ति अनुसार, और कभी कभी जब माँ इस पेड़ से दूसरा पेड़ में छलांग मारते हैं कभी कभी गिर जाता है, तब चिल्लाते रहते हैं, फिर माँ की उद्धार करते हैं। लेकिन जब बिल्ली के बच्चा वो माँ को नहीं पकड़ते, माँ उसको पकड़ते हैं, वो कल एक जान में एक स्थान में जाके वो म्यू म्यू करते रहते हैं। जब प्रयोजनों का माँ उसके जननी उसको गर्दन पकड़ के कभी वो ओवन में रखते हैं राख के भीतर, कभी गद्दी में सुला देते हैं इस तरह में, तो माँ जानते हैं कहाँ रखना है, वो सिर्फ माँ को पुकारते रहते हैं। ये शरणागति का उदाहरण। अभी प्रश्न होता है कि भगवान पर ऐसी संपूर्ण निर्भर करने से क्या सचमुच हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सब कुछ हो जाएगा, ये कि आज भी संभव है, ये संशय होना स्वाभाविक है। और इसके उत्तर में हम देखते हैं ज्वलंत दृष्टांत, ठाकुर के एकनिष्ठ भक्त गिरीश चंद्र घोष के जीवन में, जो शरणागत होने से क्या होता है, शरणागत होना किसको कहलाता है और कैसे किया जाता है, वो विस्तृत विवरण गिरीश चंद्र घोष के जीवन में हमें मिलता है। एक ज्वलंत उदाहरण
दृष्टांत हमारे सामने है। गिरीश चंद्र घोष जैसे एक महान पापी के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया, एक आदर्श संत बन गए। सिर्फ इस शरणागति का पंथ अवलंबन करती हुई ही दृष्टांत है। संक्षिप्त रूप से अगर हम देखते हैं गिरीश चंद्र घोष के एक वैचित्र्यपूर्ण जीवन है। महानास्तिक से इनके जीवन का शुरुआत एवं महादाम्भिक तार्किक बुद्धिमान विचक्षण एवं युक्ति के आधार पर रहने वाले हैं। एवं ईश्वर क्यों जो कुछ है वो बिना प्रमाण से लेने वाला नहीं है, ईश्वर को विश्वास भी नहीं करते, इसी का शुरुआत है। ब्राह्म धर्म में विश्वासी था। जब ब्राह्म धर्म का मूल प्रवक्ता केशव चंद्र सेन ठाकुर को दर्शन करते हुए आश्चर्यचकित होकर ठाकुर को अवतार रूप से घोषणा किया, तो गिरीश चंद्र घोष उनको आवार की अवतार खड़ा करे छे। व्यंग का साथ पहला का दर्शन उस समय किया था जब उनके पल्ली में बलराम बाबू का मकान में ठाकुर पदार्पण किए थे। कोई विश्वास नहीं था कि जस्ट दर्शन करने के लिए आए थे और बहुत ही नाराज होकर चले गए, क्योंकि ठाकुर शाम को आए थे तो थोड़ी देर बाद जब संध्या हो गया, जब दिया जला दिया, तब ठाकुर भाव पूर्ण होकर समाधि मग्न होकर पूछ रहे हैं शाम हुआ कि नहीं। तो उन्होंने सोचा इससे बड़ा ढंग और क्या हो सकता है, चारों ओर अंधेरा हो गया, दिया जल रहा है और फिर ये व्यक्ति पूछ रहे हैं अभी क्या शाम हुआ, इससे बड़ा ये ढंग क्या हो सकता है, सोच के चले गए। ऐसी कई बार उनका आवागमन हुआ लेकिन सही ढंग से उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब उनके ठाकुर के साथ मुलाकात होते रहे तो वो ठाकुर के जीवन में आकृष्ट हो गए। तो पहले तो ठाकुर उनको एक अभिनव मानव रूप से आकृष्ट किया। पहला आकर्षण का कारण था कि ठाकुर का ह्यूमिलिटी, घमंड थे। ठाकुर पहले ही उसको जो अपना जो नम्रता वो सिखाया प्रणाम मंत्र से। जब उनके पल्ली में रख में बैठे थे ठाकुर जा रहे हैं, तो जाते वक्त ठाकुर उनको प्रणाम किया दूर से, वो भी प्रणाम किया, ऐसे करके होते रहे। फिर एक बार उनके थिएटर में ठाकुर आगे उपस्थित हुआ, तो जैसे वो आए ठाकुर उनको नमस्कार किया, वो भी नमस्कार किया, फिर ठाकुर नमस्कार, ऑलवेज ठाकुर वॉज वन नमस्कार अहेड ऑफ हिम, एक्स्ट्रा नमस्कार करते वो हार गए। फिर उन्होंने कहा कि राम अवतार में धनुर्बाण से शत्रु विजय किया, कृष्ण अवतार में बंसी ध्वनि किया और राम कृष्ण अवतार में प्रणाम मंत्र में शत्रु विजय कर लिया। शत्रु कौन है? संशय राक्षस, संशय रूपी जो राक्षस है उसको विनाश किया प्रणाम मंत्र के माध्यम से। तो
तो धीरे धीरे आकृष्ट होने के बाद जो शरणागति के बात हो रहा है, ठाकुर अचानक उनको बताया कि तुम्हारा मन का बांग जो है, अंकट बंकट है, ये तुम्हारा कमियां है। आश्चर्य हो गए। तुमने बताया कि ये बांग क्या चले जाएंगे? तुमने बताया हाँ जाएगा, भाव मूर्ति था चले जाएंगे। तो फिर जब वो चला जाएगा बताया, तब एक दिन ठाकुर को मुलाकात करके बताया, आप मेरा भार ग्रहण करिए, यह है बात। ठाकुर के पास समर्पण किया, आप हमारा भार संभालिए, हमें उद्धार करिए। जब ये बात बताया तब ठाकुर ने बताया, ठीक है, तुम जो कुछ कर रहे करते रहो, लेकिन सुबह शाम कम से कम थोड़ा भगवान का नाम अनुस्मरण करो, मिनिमम। तो सभी करते रहते हैं, बट ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा, देखिए हमारा जो विचित्र जीवन है, नाटक करते हैं, कहाँ पर सुबह होता है कहाँ पर शाम हो जाता है पता नहीं, मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ, जो मैं करूँगा ऐसे वचन नहीं दे सकता हूँ, असमर्थ हूँ। तो ठाकुर ने, अच्छा तो ठीक है, कम से कम दिनांत में जब भोजन करके जब शयन में चले जाते हो उसके पहले एक बार ठाकुर का भगवान का नाम अनुस्मरण करके सो जाओ, कम से कम इतना तो करो मिनिमम। तब गिरीश चंद्र सोचने लगा कि किस अवस्था में कब सोते हैं, नाटक करते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, देयर इज नो रूटीन, बोहेमियन लाइफ, हाउ कैन आई कमिट दैट एवरी नाइट आई विल थिंक ऑफ गॉड बिफोर गोइंग टू बेड। वहाँ ना कुछ नहीं बोला। तो ठाकुर भांप लिया और कहते हैं, तुम सोच रहे हो कि ये भी कर नहीं पाओगे, है ना, तो ठीक है, तुम मुझे बकलमा दे दो, गिव अप योर एफर्ट एंड सरेंडर टू मी। जैसे बात सुना गिरीश चंद्र बहुत खुश हो गए, उन्होंने सोचा यही तो हमें चाहिए होगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम भगवान को शरण में चले जाए और वो सब कर देंगे, तो सानंद में राजी हो गए, हाँ ये हमारा मंजूर है, मैं आपको भार समर्पण कर रहा हूँ, आप जो कुछ करना है कर दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब उन्हें ग्रहण किया। ये जो भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यजामि कम शरणम व्रज, तो क्या करेंगे शरण लेने से, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचयो, तुम्हारा भार जब मैं ग्रहण कर ले रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सब कुछ कर दूँगा। ठाकुर ने वही किया। इस जैसे कि व्यक्ति गिरीश चंद्र घोष, उनके जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। जो एक साधारण व्यक्ति असाधारण हो गए और उनका जीवन में परवर्ती अध्याय सबको चकित कर दिया। उन्होंने बताया, तुम्हारा जीवन में ये परिवर्तन होगा देखकर सब आदमी विस्मयभूत हो, अवाक हो गए, विस्मयभूत हो जाएंगे तुमको देखकर, ये व्यक्ति कैसे इतना परिवर्तन हुआ। इसका रहस्य है उनका आत्मसमर्पण, यही है जो समर्पण का इतिहास। लेकिन जब हम भगवान पर निर्भर करते हैं तब हमें भी मूल्य चुकाना पड़ता है, बकल में इतना आसान नहीं है। जो कि गिरीश घोष परवर्ती काल में बोला था, मुझे पता नहीं था ये बकल में देना इतना कठिन है। तो बकलमा देने से क्या होता है,
जीवन में कौन सा परीक्षा देना पड़ता है, वो गिरीश चंद्र घोष का जीवन हमारे सामने प्रस्तुत है, उसका भी थोड़ा बहुत चर्चा जरूरी है, जो कि अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, माँ की मधुस्मृतियाँ 10 बजे से क्लास है 11 बजे तक, आप लोग सब स्वागत है। और आज एकादशी तिथि है, शाम को राम नाम संकीर्तन संध्यारती के उपरांत। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।